भी जा रहे हैं ऊपर ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह हो चुकी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकफास्ट यहाँ का है बुफे सिस्टम। मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। ये है लारदात की सब्जी, एग्स, पराठे, ब्रेड। ये है मेरा ब्रेकफास्ट और ये फाहद का। फाहद ने फ्रेंच टोस्ट वगैरह भी लिया है, मैं नहीं खाती हूँ, सिर्फ अंडा और पराठा। अब आज हम जा रहे हैं बल्तित फोर्ट। बल्तित है जो भी। सब जा रहे हैं ऊपर। ऊपर तो हम गाड़ी से आए हैं, अब और ऊपर जाएंगे पैदल। हम जा रहे हैं ऊपर बल्तित फोर्ट पर और ये पूरा हिस्टोरिकल जगह है ये पूरी। मैं दिखाती हूँ। और यहाँ का टिकट है 600 का पर पर्सन। सारा का टिकट नहीं लिया, ये बच्ची है, और गुलवाना का टिकट नहीं लिया। मैं थक गई चलते चलते। ये लोग ऊपर जा रहे हैं और मैं थक गई। अभी इतनी सर्दी नहीं हो रही है, नॉर्मल हो रहा है मौसम। वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा बैठ जाते हैं। वाव, हम आ गए हैं और हम बहुत थक गए हैं। बारी को जरा ये ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। अब चलिए उसे ऊपर। फाइनली धूप हटी। ऊपर जा रहे हैं और ये कह रही है यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। देखते हैं। ये अभी हम इंटर हो रहे हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं टूर गाइड हूँ। सो हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे। आपका आने का शुक्रिया जी। उनजा में दो किले हैं, अल्तित और बल्तित। एक ही हुक्मरान की फैमिली ने दो किलों को बनाया था। इस किले में आप खड़े हैं। इस किले का नाम बल्तित फोर्ट है। 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो मीर था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था, इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। सो 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। इन 45 सालों में इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। सो 1990 से 1996 तक इसको रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में इस किले की रेनोवेशन की है। AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने इस किले को रेनोवेट किया है। 29 सितंबर 1996 उस जमाने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान और 12 ममालिक के डिफरेंट एम्बेसडर्स ने इस फोर्ट को म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया है। सर, फुंजा के आवाम हम टैक्स पेयर थे। टैक्स गंदम की शक्ल में मीर ऑफ फुंजा को दिया करते थे। सो ये है सर जी अनाज के जखाइर। ये टैक्स कलेक्टिंग एरिया भी था। यहाँ पे स्पेशली गंदम जखायरा की जाती थी। स्टोरेज द वीट स्पेशली। एंड आपके सामने तो इसकी बॉयलेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक खत्म नहीं होती है। साथ में होर्स जाती है। सो इस वजह से इन छतों और दरवाजों को छोटा रखा गया है। उनकी फैमिलीज के लिए खाना पकाई जाती थी। सामने जो एरिया है दिस वाज द कुकिंग एरिया। स्पेशली मेटल जो थिंग्स हैं, जो स्पेशल जो मेटल के जो चीज़ें हैं वो चाइना से लाई गई है। इन 17th century या 18th century से चाइना से लाई गई हैं। सो सामने तवा है जिसमें इनके लिए रोटी पकाई जाती थी। नान ब्रेड यू कैन से। राउंड सर्कल में वुडन स्पून है। यहाँ पे नूडल टाइप सूप डाउडू कहते हैं सर जी, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। या स्पेशली इनको एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। साथ में ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। इनके बेक साइड के पंपकिन हैं, कद्दू के जग्स हैं। उस जमाने में स्पेशली बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया जाता था। ये मशकी है, लस्सी बनाई जाती थी। बटर शेकिंग में बना लेते थे। साथ में वुडन है जो अभी भी हम जो घरों में जब लाइट नहीं होती है तो अभी भी हम इसमें बनाते हैं। वेंटिलेशन प्लस स्मोक के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। लोकल जबान में इसको सहम कहते हैं।
आपकी राइट साइड या बैक साइड पे एक छोटी सी स्टोव, मक्खन दही जो भी चीज ठंडा रखने के लिए, इस रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम करता है। अच्छा अच्छे ईराना अम्मी बेचा राजा सुल्तान भाई हवालात हैं। स्पेशली यहाँ पे लोगों को कैद किया जाता था, ज्यादातर देर बिठाया नहीं जाता था। किसी का क्राइम ज्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदर किया जाता था। जमाने में स्पेशली वुडन सीढ़ी के थ्रू इनको नीचे ले जाया जाता था। आप मेहमानों से रिक्वेस्ट है प्लीज, दरवाजे के दो हिस्से हैं, सर का खास ख्याल रखना जी। फ्रॉम हियर यहाँ से एक डोर नजर आ रही है, यहाँ से और इनको नीचे ले जाया जाता जब सर्दियाँ ठंड आती थी। तो ये जो रूम है वॉश टावर आल्सो मेरे बेरे ये जगह मुझे सारा और अम्मी को हमें डर लग रहा है। अप्पी नीचे मत देखो, देखने में तो मजा आ रहा है। नहीं मैं नहीं देख रही, नीचे ना ऐसी जगह है हमारी फट रही है। जल्दी जाओ ना फिर। चुप का कहे जल्दी रहो, और पापा ही नमा ना कपे। 1550 के दुनिया के नक्शे हैं जो लैटिन फ्रेंच और इंग्लिश में लिखी गई है। आपकी बैक साइड इतना उस टाइम चाहिए होता था, इसी वजह से इसी तरह का बनाया गया। खास ख्याल रखना। ये उस जमाने का ए वाले मजलिस से शूरा है, सिपर सी प्लानिंग हॉल है। आप ये भी कह सकते हैं लिविंग रूम भी कह सकते हैं। अच्छा। ये हमजा का देसी घर भी है। अभी भी हम लोग इसी तरह का एक गम खुशी के मौके पर फैमिलीज को इकट्ठे बिठाने। सो बुखारा कारपेट कहते हैं, उज़्बेकिस्तान में बनी है। आपकी बैक साइड पे जग्स एंड ग्लास है, कश्मीर से लाई गई है, कश्मीरियन डिजाइन की जग्स एंड ग्लास है, समावार कह सकते हैं। ये 17 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक कश्मीर से लाई गई है। ये जो और ऊपर आ गए हैं हम, ओ वाओ। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे स्पेशली मिनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे दरबार लगाए थे। ये जो सामने जो वैन जो खड़ी है वो शायद आपकी गाड़ी का एरिया है। जमाने का पोलो ग्राउंड था, यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। आपके सामने राका कोठी है, दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है। पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है सर जी, 7788 मीटर। दरमियान में जीरान पीक है सर, लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। ये तीन पीक्स आपके फ्रंट पे हैं, राका पोची, जीरान, गोल्डन पीक। आपकी बैक साइड पे सर ये उत्तर ग्लेशियर, ये नीचे जो किचन में आपको फ्रिज के तौर पे दिखा रहा था यही ग्लेशियर 800 ईयर्स बैक नीचे कनेक्टेड था सर। पाकिस्तान में दो किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। सो ये वुडन पोलो स्टिक्स एंड बॉल्स हैं, दीज आर द वुडन पोलो स्टिक्स एंड, ये यहाँ के वुडन पोलो स्टिक्स हैं एंड बॉल। जरा असली दारा उस समय आता था तो यहाँ पे इनके लिए वेलकम की जाती थी। सो यहाँ पे दो किस्म के पिक्चर्स हैं, ये होलस हैं, ये स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, दीज आर द आगा खान जी। आगा खान जी सर, ये इस्माइली कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। ओरिजिनल शेप नहीं है ये, मीर सफदर खान, फिर उनका भाई मीर सफदर खान। हमने जो पिक्चर जो लगे हैं, दीज आर द स्पिरिचुअल लीडर्स। आगा का टाइटल ईरान ने दिया था, 46वें इमाम शाह हसन अली शाह को आगा का लकब मिला था। आगा मींस किंग ऑफ द किंगडम। 47th इमाम है शाह अली शाह है, आगा खान 2 है, 48th इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा जी, कायदे आजम के साथ मिलके जी मुस्लिम लीग बनाने में भी इनका, पाकिस्तान बनाने में भी इनका, ओमान से गवादर खरीद के पाकिस्तान को इन्होंने लिया था। तख्त पे बिछाई जाती थी, हमजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ये 1930 से 31 तक की तिजारती एग्रीमेंट्स हैं जो चाइनीज और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। फैमिलीज यहाँ से नीचे व्यू भी इंजॉय किया करते थे, यहाँ से स्पेशल पोलो भी देखा करते थे। ये जो कलरफुल ग्लासेस हैं जिसको स्पेशल ब्रिटिश टाइम में एडिशन किया गया है, ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम
हैं स्टोन वाली शॉप पर, कुछ चीजें देखते हैं। मंजीरा आओ, मेरे फोन की स्टोरेज हो गया ऑलमोस्ट फुल, मुझे थोड़ा क्लियर करना है, तो मैं मम्मी के फोन से एज यूजुअल व्लॉग बना रही हूँ। वैसे ऐसा अब हम जाएंगे यहाँ कुछ खाना खाने, सबको बहुत भूख लगी है। यहाँ पे क्या क्या पता नहीं क्या क्या ये हम खाते हैं भी या नहीं। ये जगह कितनी प्यारी है, इन्हें बना कर ये देखो कितना प्यारा ट्री है, इसको आई थिंक चेरी ब्लॉसम कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता। हाँ अभी हम ये रेस्टोरेंट आए हैं लंच के लिए, रिवायत। हाय अली भाई, यहाँ पे है लाइव किचन। खाना आ चुका है हमारा, सब खा रहे, सबको भूख लगी है। रिव्यू इंस्टाग्राम पे मैं दे दूंगी। हम आ गए हैं अलियाबाद, मुझे बैग लेना है अम्मी को भी। माय चैनल प्लीज शट अप। हमें बैग लेना है क्योंकि मेरा जो बैग था वो फट गया है। सबको लग रहा है हम पागल है, कब से हमारे ऊपर ये लोग हैं, हम गाड़ी में ही आ गए हैं। ये रही, इन सबको लग रहा है हम गनोक हैं। यहाँ अनोखे लोग आ गए हैं अचानक से इनके मोहल्ले में। अभी हम यहाँ पे आए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने और हनी ऑयल इस शॉप में। यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे सारा ट्रक आर्ट वाला काम है। मैंने अपने लिए एक ट्रे लिया है इस तरह का, ये हम लोगों ने माली कल ही खोला है। ये भी यहाँ पे इतनी और भी प्यारी प्यारी चीजें हैं, ये और इस तरह के मग्स भी हैं, लेकिन ये 2500 का एक बता रहे हैं। नूरी तुम्हें ये कह रही थी, ये मग्स भी हैं, ये 2500 का एक बता रहे हैं, तो मैंने ये नहीं लिया क्योंकि इतना एक मग के लिए बहुत है। फिर ये इस तरह का ट्रे लिया है, इससे छोटा 2500 बोला था, 2000 का लिया है मैंने। ये भी 2500 के हैं और ये 3500 का है, इस तरह का है ये। हम पी रहे हैं यहाँ का डाव डाव सूप जो कि बहुत ही कोई मज़े का है। ये रेस्टोरेंट का नाम पता नहीं क्या है, मैं बाहर जाके बताती हूँ। अब हम पी रहे हैं चाय। हम अभी आए हैं अपने होटल रूम में, अभी बज रहे हैं रात के 11, और अब मैं जाके, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है, तो अब मैं जाके सारी चीज़ें अपने पैक करूँगी जो मैं यहाँ की हैं। सारा सामान रूम में फैला हुआ है, मैं मम्मी पापा के रूम में, अब मैं जाऊँगी अपने रूम में। फ़ोन मैंने यहाँ पे अपना लगाया है चार्जिंग पे, इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन है इतना व्लॉग बना बना के। और आज मैं व्लॉग ही मैंने नहीं डाला, बाहर थी मैं पूरा दिन इधर उधर। अब मैं पहले जाके अपना सामान समेटूंगी और व्लॉग अपलोडिंग पे रखूंगी। सारा रील्स का मुझे शेड्यूल बनाना है, इतने सारे मैंने कंटेंट शूट किया है, अब मुझे एडिटिंग करनी है, वो भी करूंगी अभी। पहले सामान पैक करेंगे फिर ये सब। और बाकी जो मैंने ट्रिप्स से, मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती इस तरह की ट्रिप्स पर, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। चीज़ें तो हमारी कराची में ही ऑलरेडी बहुत सारी हैं। मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए ली हैं, वो मैं जब कराची जाऊंगी तब उसका हॉल बनाऊंगी, वो दिखाऊंगी। ठीक है जी, जब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। मे बी मैं ये व्लॉग यहाँ एंड कर दूँ, अगर नहीं किया तो फिर कल, लेकिन मे बी एंड कर दूँगी। टाटा बाय बाय।